गन्नौर सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 303 कॉलोनियों को वैध कर आम लोगों को राहत प्रदान की है। गन्नौर विधानसभा में भी 4 कॉलोनियों को वैध किया गया है। बसंत विहार एक्सटेंशन, पंचवटी कॉलोनी, हनुमान नगर, फाटक पार शिव कॉलोनी शामिल है। इन कॉलोनियों के वैध होने से इन कॉलोनियों में भी लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। सांसद शुक्रवार को विधायक निर्मल चौधरी के आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। सांसद कौशिक ने कहा कि इन कॉलोनियों को वैध किए जाने से यहां सीवर पानी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं अब लोगों को मिल सकेंगे। सरकार द्वारा इन कॉलोनियों में विकास कार्य करने के लिए अलग से बजट भी दिया जाएगा। कॉलोनी के लोग, हमारे बहन निर्मल चौधरी ने बहुत मेहनत की और पूर्ण सर्वे हमारा 22 कॉलोनी का हुआ था, 8 हमारी आज अप्रूव हो गई हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने की हैं 300 से 400 कॉलोनियाँ पूरे हरियाणा में हुई हैं और 8 के केस और भेजे, 4 अप्रूव होगी, 8 में मेरे ख्याल में 5-10 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगी और जो बाकी बचेंगी उन सबको भी जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा लेंगे ताकि यहाँ विकास का नया रास्ता खुले। और जो हमारे ये मेंबर हैं इनने भी तंगी रहे थी, हमने भी रहे थी, उनमें पैसे नहीं लगा सकते थे, अप्रूव्ड है ना अप्रूव्ड, वो चक्कर खत्म हो गया और इसे बनो रहे अच्छा विकास। और इस होने से जो लोगों की परेशानी है बहुत बड़ी दूर होगी, उन्हें चाहे लोन लेना हो चाहे कोई काम करना हो, उनमें सब सुविधाएँ होंगी। ये इसके लिए मैं बनो रहे लोगों को और बहन निर्मल चौधरी को आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। ठीक है, गन्नौर इले में पंचवटी कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।